नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार जीके के इस चैनल पर वापस आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो अपने सामाजिक जीवन से कहीं हद तक जुड़ा हुआ है, जिसमें अपन पढ़ेंगे आज संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय, लोग संत क्यों बनते हैं, संत बनने का क्या रीजन है, क्या कारण है? वो रीजन ये है कि यहां पर संत बनने का कारण है मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग संत बनते हैं और संत बनकर भक्ति में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। कहते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो तीन प्रकार से होती है। सर्वप्रथम ज्ञान से, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ऐसे की जाती है कि सबसे पहले अगर अपन को भगवान को देखना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो मन को एकाग्रचित करना होता है और मन को एकाग्रचित करने के लिए अपन को ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। जैसे ही अपन मन को एकाग्रचित करेंगे ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान की प्राप्ति से ही हमें किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा जो है वो है कर्म। श्री कृष्ण भगवान ने अपने भागवत में कहा है, श्रीमद् भागवत कथा में कहा है कि कर्म किए जा हे पार्थ, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। और इस प्रकार भी भगवान को प्राप्त किया जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा जो है वो तीसरा है भक्ति, और भक्ति के द्वारा भी मोक्ष की क्या की जा सकती है, प्राप्ति की जा सकती है। और भगवान की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति होता है। भक्ति की बात करें तो सर्वप्रथम जो भक्ति उपजी थी वो भक्ति दक्षिण भारत में उपजी थी। कहां पर उपजी थी? दक्षिण भारत में। और किसके समय काल में? शंकराचार्य के समय काल में। शंकराचार्य के समय काल में दक्षिण में भक्ति उपजी थी। और दक्षिण में जो भक्ति उपजी थी उसके बाद अगर बात करें तो फिर इसको लेकर गए उत्तर, और उत्तर में इसका जो प्रसार प्रचार किया वो प्रसार प्रचार किसने किया था? वो किया था रामानंद ने। रामानंद के बारे में अपन पढ़ेंगे, प्रसिद्ध संत थे। और प्रसिद्ध संत कौन थे? रामानंद, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि भक्ति उपजी द्रविड़ में, भक्ति उपजी द्रविड़ में, उत्तर लायो रामानंद, उत्तर लायो रामानंद। यानी जो भक्ति है वो भक्ति द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में उपजी थी और शंकराचार्य के समय उपजी थी, और उसको उसका प्रचार प्रसार उसको लाने का उत्तर में श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। यानी कहा जाता है कि भक्ति उपजी द्रविड़ में, उत्तर लायो रामानंद। तो ये बात थी भक्ति के बारे में। देखो इसके बाद अगर बात करें तो भक्ति दो प्रकार से की जाती है। भक्ति दो प्रकार से की जाती है। भक्ति दो प्रकार से की जाती है, जिसमें एक है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति दूसरी है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति देखो, सगुण, सगुण यानी समान या सही, सगुण यानी समान या सही गुण, सही गुण है ना, समान या सही गुण, ठीक है। कहते हैं कि सगुण भक्ति वर्तमान में प्रचलन में है। भगवान को देखा जाता है और भगवान को देखकर उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है, ठीक है। बात करें सगुण भक्ति की, तो सगुण भक्ति की बात करें तो सगुण भक्ति में भगवान के दर्शन अपन को हो जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान है
और श्री कृष्ण भगवान को अपन को पता है कि मोर मुकुट धारण कर रखा है, आत्मिक चक्र दर्शन है ना, तो उसको अपन को पता है कि उसका जो रूप है वो कैसा है, और फिर उसके बाद अपन जो भक्ति करते हैं उसे कहते हैं सगुण भक्ति। दूसरी है निर्गुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति में आती है कल्पना। क्या आती है? कल्पना। कहते हैं इसमें कल्पना की जाती है भगवान की, और भगवान की कल्पना करने की बात आए तो भगवान को अंतर मन में ही कल्पना के रूप में देखा जाता है, लेकिन मूर्ति पूजा इसमें निषेध है, इसमें विरोध किया जाता है। किसका? मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा का इसमें क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। तो ध्यान रखना है, भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो होती है वो सही गुण यानी किसी चीज को देखकर उसकी पूजा करना, भगवान को देखकर उसकी पूजा करना, उसे कहते हैं सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति की बात करें तो कल्पना में ही भगवान की पूजा करना क्या कहलाता है? निर्गुण भक्ति। देखो भाई, सगुण भक्ति में बात आए तो देखो, एक तो है रामाश्रय, रामाश्रय, और एक है कृष्णाश्रय, कृष्णाश्रय। दो भागों में विभाजित किया जाता है। रामाश्रय में तुलसीदास, तुलसीदास, और कृष्णाश्रय में रैदास, मीराबाई, इन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी। तो ध्यान रखना है, इनको इस सगुण भक्ति को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। रामाश्रय की बात करें तो तुलसीदास जी ने भक्ति की थी राम की, और कृष्णाश्रय में बात करें तो रैदास जी ने और मीराबाई ने किसकी भक्ति की थी? कृष्ण की। और वर्तमान रूप में, वर्तमान परिवेश में अपन भी क्या कर रहे हैं? सगुण भक्ति कर रहे हैं। इधर अगर बात करें तो मुख्य रूप से है कबीर जी, मुख्य रूप से है कबीर जी, और कबीर जी जो है वो कबीर जी ने क्या किया है? निर्गुण भक्ति का बढ़ावा दिया है, निर्गुण भक्ति को जोर दिया है, है ना। तो कबीर जी आते हैं, और भी इनका डिवाइडेशन अपन करेंगे लेकिन वो बाद में करते हैं। उससे पहले देखो, भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है श्वेताश्रय, श्वेताश्रय उपनिषद में, उपनिषद में, श्वेताश्रय उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और भक्ति का उल्लेख गीता में भी मिलता है। किसमें मिलता है? गीता में भी मिलता है। गीता में भी भक्ति का उल्लेख मिलता है, और श्वेताश्रय में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? भक्ति का। तो काफी बार पूछ भी लेता है ये क्वेश्चन कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो ध्यान रखना श्वेताश्रय उपनिषद में मिलता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट की बात करें तो देखो, हिंदू धर्म में को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, हिंदू धर्म को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है भागवत धर्म, और भागवत धर्म को ही कहते हैं आलवार, आलवार। दूसरा है नैनार, नैनार, और नैनार को ही कहते हैं आड़ियार। तीसरा है अपने साप्त, साप्त, तीसरा है साप्त। तो ध्यान रखना, हिंदू धर्म को तीन भागों में बांटा गया है, और तीन भाग भागवत धर्म आलवार जिसे कहते हैं, नैनार जिसे आड़ियार कहते हैं, और साप्त जिसे दैवीय शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसमें आती है दैवीय शक्ति, और दैवीय शक्ति जिसमें आती है उसे क्या कहते हैं? साप्त यानी शक्ति। ठीक है, अपन क्या करते हैं? तीन देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों की अपन क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ध्यान रखना, भागवत धर्म के, तो भागवत धर्म को जो मानते हैं वो भगवान कृष्ण की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वो भगवान कृष्ण को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? भगवान कृष्ण को। नैनार यानी कहते हैं आड़ियार, नैनार, नैनार की बात करें तो ये शिव के भक्त होते हैं, शैव भक्त।
किसके वक्त होते हैं? शिव के वक्त होते हैं। साप्त की बात करें या दिव्य शक्ति की बात करें तो इसमें देवियों के अनुरूप जो शक्ति होती है उनके बारे में उल्लेख मिलता है। देवी शक्ति, देवी शक्तियों के बारे में किसमें माना जाता है? साप्त में माना जाता है। अच्छा, सर्वप्रथम अपन पढ़ते हैं भागवत धर्म की आलवार की, भागवत धर्म आलवार और भगवान कृष्ण के जिसके जो भक्त होते हैं वो किसमें आते हैं? भागवत धर्म में। और भागवत धर्म की अपन बात करें तो दोस्तों ये मुख्य नहीं है, क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो पुटअप आगे से होंगे जो मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना, और उनको विशेष रूप से ध्यान रखना। मुख्य जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने अब तक पढ़ाया उसमें से पूछा जाता है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो श्वेताश्रय जो उपनिषद है उसमें मिलता है और गीता में भी इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। देखो भागवत की बात करें तो भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु ने अब तक कितने अवतार ले लिए हैं? भगवान विष्णु ने अब तक 10 अवतार लिए हैं। 10 अवतार की बात है, 10वां अवतार अब तक नहीं लिया है भगवान विष्णु ने। कहते हैं प्राणों के अनुसार सवाई जयसिंह ने जयपुर में इसका मंदिर बनवाया, कल्कि अवतार चुनेंगे। उस कल्कि का मंदिर है जिसमें एक घोड़े पर सवार है, हाथ में तलवार है, और अब इस कलयुग में जब पाप बढ़ जाएगा तो कल्कि अवतार में भगवान विष्णु आएंगे और भगवान विष्णु क्या करेंगे? इस सृष्टि का वापस से प्रलय करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 10 अवतार में सबसे पहला जो अवतार है वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार पहला अवतार है, मत्स्य अवतार। उसके बाद दूसरा जो है वो है कुर्म अवतार, कुर्म अवतार। तीसरा जो है वो है ब्रह्मा अवतार, ब्रह्मा अवतार। चौथा जो है वो है नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। पांचवा जो है वामन अवतार, वामन अवतार। इसके बाद फिर आता है छठवा, छठवां है अपने परशुराम अवतार, परशुराम अवतार। सातवां है अपने परशुराम के बाद राम अवतार। आठवां है, आठवां जो अवतार है वो आठवां है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार। नौवां जो है, नौवां है अपना बुद्ध अवतार, बुद्ध अवतार। और दसवां जो है वो दसवां अब लेंगे वर्तमान में बोलेंगे कल्कि अवतार, कल्कि अवतार विष्णु भगवान। जो दसवां अवतार अब लेंगे वर्तमान में वो कल्कि अवतार है। देखो दोस्तों मत्स्य अवतार की सबसे पहले बात करें तो एक राजा थे जिसका नाम था सत्यव्रत, एक राजा थे जिसका नाम था सत्यव्रत। और सत्यव्रत राजा एक बार क्या थे, सत्यव्रत राजा जब जल अंजलि से जल चढ़ा रहे थे, अपने अंजलि में जल लेकर और जल चढ़ा रहे थे, तो उस अंजलि में एक मछली आ गई, और वो मछली आने के बाद जब उसको सत्यव्रत राजा देखता है और देखने के बाद क्या करता है, बोले इस मछली को तो अपन वापस जल में छोड़ देते हैं। इतने में ही मछली बोलती है राजन मुझे आप जल में ना छोड़िए, क्योंकि इस जल में और अनेक बड़ी मछलियां हैं वो मुझे क्या करेंगी, खा जाएंगी। जैसे ही वो अपने उस कमंडल में उसको रखते हैं मछली को, तो वो मछली बड़ा अवतार ले लेती है, बड़ा रूप बना लेती है। इसके बाद राजा उसको लेकर जाता है अपने खुद के शुंभ के सरोवर तालाब में उसको डालता है तो वो और भी बड़ी हो जाती है। तब राजा समझ जाता है कि इस मछली में कोई ना कोई दैवीय शक्ति या देवी शक्ति या भगवान का जो रूप है वह है। तो उससे पूछता है कि हे मछली आप ये बताओ, हे मीन आप ये बताओ कि आपका असली रूप क्या है। तब भगवान विष्णु साक्षात उस राजा को दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद कहते हैं कि आप सप्तऋषि मंडल के साथ यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पर 7 दिन के बाद, अब से 7 दिन के बाद यहाँ पर प्रलय करूंगा और बाद में सृष्टि को आपको ही आगे बढ़ाना है। तो तब लेते हैं भगवान मत्स्य अवतार, और मत्स्य अवतार तब लेते हैं उस वक्त भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुमको कुछ बातें बताऊंगा
और बातें बताऊंगा, वो आपको ये बताऊंगा कि आगे सृष्टि की रचना आपको कैसे करनी है, तो उसी से बड़ा है मत्स्य पुराण, उसी से ही बड़ा है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में वही बातें हैं, उन्हीं बातों का उल्लेख मिलता है जो भगवान विष्णु ने बताई थी किसको, सत्यव्रत राजा को और सब ऋषि मंडल को। ठीक है भाई, ये हो गया अपना मत्स्य अवतार। अब है दूसरा कुर्म अवतार, और कुर्म अवतार की अगर बात करें तो कुर्म अवतार जो है, आपने सुना होगा कि एक बार देवता और दानवों के मध्य समुद्र मंथन होता है, और समुद्र मंथन जब होता है तब मंदराचल पर्वत को, मंदराचल पर्वत को मध्य में लेकर और नाग से मंथन किया जाता है, लेकिन उस मंदराचल पर्वत धीरे 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 नीचे धसता जाता है ना। इस दृश्य को देखकर देवता और दानव परेशान हुए कि मंदराचल पर्वत तो नीचे धस रहा। उस वक्त भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया था, इसको ही मैं कह सकता हूँ कच्छव अवतार। यानी ये जो कच्छव अवतार था, ये मंदराचल पर्वत को नीचे धसने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने लिया था, और इसके बाद सरलता से उन्होंने क्या किया था, समुद्र मंथन किया था, तब अवतार लिया था कुर्म अवतार। बलहा अवतार, बलहा अवतार की बात करें तो हिरश्य, हिरश्य एक राजा था, उस हिरश्य राजा ने क्या किया, उसने पृथ्वी को समुद्र में जाकर छुपा दिया, और समुद्र में छुपा दिया तब उस वक्त सारे देवता सारे लोग परेशान हुए, तब भगवान विष्णु ने बलहा अवतार लिया, और बलहा अवतार में उनके आगे ऊपर दो बड़े सिंह थे, और दो बड़े सिंहों से उन्होंने क्या किया, दो बड़े सिंहों के द्वारा उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला है ना, और बाहर निकालकर वापस से पृथ्वी को स्थापित किया था। उस वक्त उन्होंने क्या लिया था, बलहा अवतार लिया। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार की बात करें तो नरसिंह अवतार में एक राजा हुआ था हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद को काफी सारी यातनाएं दी, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। प्रहलाद भक्त था किसका, नारायण का, नारायण मतलब भगवान विष्णु का क्या था, भक्त था, और भगवान विष्णु का जब भक्त था उस वक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने किसका अवतार लिया था, नरसिंह का अवतार लिया था। इसके बाद बात करें वामन अवतार की, अगर वामन अवतार की बात करें तो वामन अवतार में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रहलाद है उस प्रहलाद का ही पोता था बलि, प्रहलाद का ही पोता था बलि, और बलि से भगवान विष्णु ने तीन पग जमीन मांगी थी, तीन पग जमीन मांगी थी वामन अवतार लेकर, और तीन पग जमीन में उन्होंने पहले में आताल, दूसरे में पाताल, और तीसरे उसके सर पर रख दिया, तो सर पर रखने के बाद जो बलि था वो बलि किसमें समा गया, पृथ्वी के अंदर समा गया। ठीक है ना, तब उन्होंने लिया था वामन अवतार। परशुराम की बात करें तो परशुराम ने सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु के पद के लिए अवतार लिया। सहस्त्र बाहु मतलब सौ भुजाओं वाला, सौ भुजाओं वाला जो व्यक्ति था, व्यक्ति उसको मारने के लिए इन्होंने क्या किया था, अवतार लिया था परशुराम ने। इनके बाद था राम अवतार, राम अवतार जब लिया था तो राम अवतार के समय परशुराम भी थे, क्योंकि आपको एक घटना याद आएगी, और घटना ऐसी थी कि उसमें भगवान विष्णु जब राम अवतार लेकर जाते हैं, और वहां पर सीता माता का क्या होता है, जो विवाह किया जाता है, और विवाह जब किया जाता है तो वहां पर स्वयंवर होता है, और स्वयंवर में कहते हैं धनुष को तोड़ा जाता है, शिव जी का जो धनुष है, उस शिव जी के धनुष को जब तोड़ा जाता है उस वक्त परशुराम आते हैं और कहते हैं धनुष किसने तोड़ा है ना। तो ये कहानी थी राम भगवान की। तो राम अवतार में भगवान राम ने रावण के अहंकार को चूर किया था। ठीक है, कृष्ण अवतार के बारे में तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण अवतार आप जानते हैं। कृष्ण अवतार की अगर बात करें तो कहते हैं हे पार्थ, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। तो भगवान विष्णु ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया गीता का, और गीता का ज्ञान देकर उन्होंने युद्ध जिताया। ठीक है ना, इसके बाद बात करती है बुद्ध अवतार, और बुद्ध अवतार यानी बौद्ध धर्म की स्थापना की थी बुद्ध ने, जिसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता था। और वर्तमान में जो दसवां अवतार लेने वाले हैं वो अवतार लेने के साथ कल्कि अवतार, और वर्तमान में कल्कि का अवतार लेने वाले हैं कौन, जो विष्णु भगवान है। वो कहते हैं सवाई जयसिंह ने इस मंदिर का निर्माण जयपुर में करवाया था पुराणों के अनुरूप,
पुराणों के अनुसार, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि भाई सवाई जयसिंह को पता चल गया कि हाँ भाई भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, लेकिन पुराणों में जो लिखा है उसके अनुरूप सवाई जयसिंह ने कल्कि का क्या करवाया था, कल्कि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये दशावतार थे किसके, भगवान विष्णु के। और भगवान विष्णु को जो पूजते हैं वो पूजने वाले क्या कहलाते हैं, वो आलवार कहलाते हैं, भागवत धर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो अगला आता है नैनार। नैनार को कहते हैं आडियार, नैनार को कहते हैं आडियार। नैनार के अंतर्गत अगर बात करें तो नैनार में आते हैं शिव भक्त या शिवजी के भक्त, शिव भक्त या शिवजी के भक्त, शिवजी के भक्त। देखो बात करें अपन ऋग्वेद की, और ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है भगवान विष्णु का रुद्र अवतार। ऋग्वेद में मिलता है जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सबसे पहले जो भगवान विष्णु को, भगवान शिव का जो रूप मिलता है वो मिलता है रुद्र अवतार, रुद्र अवतार। और रुद्र अवतार किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। अच्छा मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण में भी भगवान किसका मिलता है, और शिव जी का मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण मैंने बताया था अभी आपको, वही पुराण है जो पुराण जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार किया था, और मत्स्य अवतार के दौरान सत्यव्रत को कुछ बातें बताई थी, उन बातों का उल्लेख इसमें मिलता है मत्स्य पुराण में। इसी में भगवान शिव जी का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें अपन ऋग्वेद की तो ऋग्वेद के जो मंडल सातवां है, उस मंडल सातवें में एक युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो युद्ध है दशरागी युद्ध। और दशरागी युद्ध जो है वो किस किस के मध्य हुआ था, ये दशरागी युद्ध हुआ था किसके मध्य, ये हुआ था सुदास और विश्वामित्र के मध्य, सुदास एवं विश्वामित्र, सुदास और विश्वामित्र के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी, सुदास की हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि गुरु वशिष्ठ इसके क्या थे, सलाहकार थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र में शुरू से क्या थी, लड़ाई थी, और गुरु वशिष्ठ और सुदास के क्या थे, गुरु वशिष्ठ सुदास के क्या थे, सलाहकार थे। और सलाहकार होने के नाते इन्होंने जब युद्ध किया विश्वामित्र से, तो विश्वामित्र और उनके मध्य जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, सुदास की हुई। यहाँ की कहानी कुछ लंबी है, थोड़ी सी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विश्वामित्र ने जब तपस्या करना प्रारंभ किया था, तो तपस्या प्रारंभ की थी उस वक्त क्या था, तपस्या अपन प्रारंभ कर देते हैं, और तपस्या प्रारंभ कर देते हैं तो उसके बाद जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, और इंद्र के सिंहासन जब हिलने लगा तो उस वक्त इंद्र भगवान को बहुत ज्यादा समस्या होने लगी, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। उस वक्त उन्होंने मेनका को भेजा, और मेनका को क्यों भेजा, कि जो विश्वामित्र है उस विश्वामित्र की तपस्या को क्या किया जाए, भंग किया जाए, जब विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया जाए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन होता क्या है कि जो विश्वामित्र है उस विश्वामित्र की तपस्या को वो जैसे ही भंग करती है, मेनका पर मोहित हो जाते हैं गुण विश्वामित्र, और विश्वामित्र जब मोहित हो जाते हैं तो उसके साथ यहाँ पर कौन रहने लगती है, मेनका रहने लगती है, मेनका यहाँ पर रहने लगती है। वहां पर जो इंद्र भगवान था, वो इंद्र भगवान बहुत ज्यादा समस्या या बहुत ज्यादा तकलीफ झेलता है। उस वक्त जब वो तकलीफ झेलता है, यानी वो उनको परेशानी होने लगती है, तब वो कहते हैं मेनका से कि हे मेनका तुम वापस आ जाओ। लेकिन कहती है मेनका कि अगर मैं प्रभु वापस आ गई तो वापस से ये तपस्या करने लग जाए, और वापस से आपके सिंहासन को क्या हो जाएगी, कठिनाई छुट्टी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी नहीं आऊंगी। उसके बाद क्या होता है, मेनका से विश्वामित्र विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद इन विश्वामित्र और मेनका के एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम है शकुंतला। और शकुंतला का बाद में जो विवाह होता है वो होता है दुष्यंत के साथ, दुष्यंत के साथ। और दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है भरत, और भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम पड़ा गया भारत। मित्रों यहां तक की बात आपके समझ में आई है ना, आज तक के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। आगे अपन स्टार्ट करेंगे संत और संप्रदाय।
है ना, संत संप्रदाय के बारे में, बनवाई बनपन निर्गुण भक्ति के जो संत हैं उनके बारे में, और जो सगुण भक्ति के संत हैं, सगुण भक्ति को मानने वाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।